आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम राधा रानी का ड्रेस बनाएंगे, जिसमें उनका ये दुपट्टा बनाएंगे और साथ में उनका ये प्यारा सा लहंगा बनाएंगे। देखिए ये लहंगा है और चोली हम फिर किसी वीडियो में आप लोगों को बतला देंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका लंबाई कितना है। देखिए अगर हम देखेंगे तो इसका लंबाई है आपको 16 इंच। तो इसका कमर है 9 इंच। ठीक से हम आप लोगों को दिखला रहे हैं, देखिए अच्छे तरीके से नाप रहे हैं। देखिए 9 इंच है इसका कमर। और इसका जो ये लंबाई है, लंबाई आपको 15 इंच है। देखिए 15 इंच है लंबाई। और इसका जो हम ये देखेंगे घेरा यहाँ पे गोलाई में, ये हम भी आप लोगों को नाप कर दिखलाते हैं। देखिए ये यानी आप 40 इंच रख सकते हैं इसका घेरा। तो हम इसी नाप से इसे बनाए हुए हैं इसे। लेकिन देखिए जब हम इसे बनाएंगे तो ये जो डिजाइन आता है सामने, ये डिजाइन कुछ अलग फैल कर आता है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा फैल जाता है, ये काफ़ी घना हो जाता है। जैसे कि देखिए इसका हम लंबाई यहाँ पे 9 इंच लिए हुए हैं। कमर का जो है घेरा गोलाई है ये 9 इंच है कमर का गोलाई। और ये जब हम 15 इंच बना रहे थे तो देखिए 15 इंच बनाएंगे तो आपको यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ये आ जाएगा। और ये अगर हम नापते हैं तो ये आपको आता है 14 से 15 इंच, ये आ जाता है आपको। तो इसलिए हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे थोड़ा सा लंबा बनाए हुए हैं। देखिए 16.5 इंच किए हुए हैं यहाँ पे। तो और इसका जो है ये इस पर कली आया है आपको, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। तो इसे इस तरह से हम कंप्लीट किए हुए हैं। और लास्ट में हम इस पर देखिए प्यारा सा डोरी बनाकर डाले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। चलिए पहले हम देखते हैं इसे किस ढंग से बनाया गया है। इसे हम स्टार्ट किए हुए हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें कितना चेन लेना है यहाँ आप लोगों को हम गिन कर बतलाते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 और 41। यानी 41 डबल क्रोशिया हमारे पास यहाँ है। तो हम 45 चेन लेंगे, 45 चेन ले लेंगे। और तीसरा चेन यानी तीसरा चेन पे हुक को डालकर और एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक लाइन इस तरह से तैयार किए हुए हैं। इसके बाद दूसरा लाइन भी हम तैयार कर लिए हैं। दूसरा लाइन भी बिल्कुल उसी तरह से एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए तीसरा लाइन हमें किस तरह से बुनना है। ये बहुत ही सिंपल था इसलिए हम ये आप लोगों को बनाकर नहीं बतलाएं। अब देखिए अब यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए हैं। 3 चेन लेने के बाद यहाँ हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया इस तरह बनाए। तो ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया कहलाया और ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब दूसरा चेन में भी हम इसी तरह एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब देखिए अब 1 चेन लेंगे। ये बॉर्डर के लिए हम 3-3 यहाँ पर रखे हुए हैं। 1 चेन लेने के बाद में 1, 2, 3 ये जो तीसरा देख रहे हैं चेन, यहाँ पर हुक को डालेंगे इस तरह से और एक फिर से एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब फिर 1 चेन लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बुनेंगे, 1 और 1, 2। इसी चीज़ को हम आप लोगों को दूसरे तरीका से भी बनाना बतलाए हुए हैं अपने चैनल पे, लेकिन यहाँ हम आप लोगों को बहुत ही सहज ढंग से बतला रहे हैं। तो आप दोनों में से जो भी तरीका बनाना चाहती हूँ, जैसे कि हम पिछले बार बताए थे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, अब हम यहाँ पे आप लोगों को 4 डबल क्रोशिया बतला रहे हैं। अब देखिए फिर से हम 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद 1, 2, 3 3 चेन यानी 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। अब हम 1 चेन लेंगे, धीरे धीरे हम चेन की संख्या बढ़ाएंगे। अगला लाइन पर हम 2 चेन ले लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे, 1
और फिर से इसी स्थान से एक और बना लिए, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे चार डबल क्रोशिया। अब फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद एक दो तीन तीसरा पे हुक को डालेंगे और दो डबल क्रोशिया, दो चेन एक चेन फिर से दो डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से हम चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही सहल तरीके से हम आप लोगों को यहाँ पे बतला रहे हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ ये कमर से हम शुरू किए हुए हैं, ये कमर पर का पट्टी बना है दो लाइन में। अब इसके बाद यहाँ घेरा बनना शुरू हुआ है, तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अगला लाइन आप लोगों को बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये एक लाइन बनाकर कंप्लीट किया। अब हमारा यहाँ पे लास्ट आ चुका है, तो यहाँ हमें किस तरह से करना है देखिए। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से लेंगे एक चेन, ये हो गया दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से लेंगे एक चेन, ये हो जाएगा तीन डबल क्रोशिया। तो ये बॉर्डर का तीन डबल क्रोशिया इस साइड में भी रखे हुए हैं और इस साइड में भी रखे हुए हैं। अब अगला लाइन एक दो पलट लेंगे, ये जो हम तीन डबल क्रोशिया बनाए हैं दोनों तरफ, इसे तो बस यूं ही लास्ट तक हमें बुनते चले जाना है, तो इसे चलिए बुन लिए तीन डबल क्रोशिया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद यहाँ से हम देखिए यहाँ से इसके बीच यहाँ से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया, अब हो गया एक चेन फिर ले लिए। अब देखिए ये दो के जो बीचों बीच है यहाँ से हमें बनाना है, लेकिन उसके पहले एक चेन छोड़ लेना है। ये एक डबल क्रोशिया छोड़ना है, दूसरे डबल क्रोशिया पे हुक को डालना है और एक डबल क्रोशिया तैयार किए। अब बीचों बीच से फिर से हमें एक और एक दो, दो डबल क्रोशिया तैयार कर लिए, बीचों बीच से एक चेन ले लेंगे। देखिए एक चेन, अब फिर से यहाँ बीच से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक और बना लेंगे और ठीक इसके बगल का जो है ये डबल क्रोशिया चेन जो दिख रहा है यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे और फिर से ये बीचों बीच का जो स्थान है यहाँ, यहाँ से एक डबल क्रोशिया इस तरह बना लेंगे और फिर से एक चेन ले लेंगे। तो देखिए ये किस तरह से बना, सबसे पहले हमारे पास दो डबल क्रोशिया एक चेन दो डबल क्रोशिया था, अब हमारे पास हो गया तीन चेन एक, तीन डबल क्रोशिया एक चेन तीन डबल क्रोशिया, बढ़ गया हमारे पास संख्या इसका। तो इसी तरह से बढ़ाते हुए हमें पूरे इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि यहाँ से हम एक पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया एक छोड़कर, एक इसे छोड़कर एक यहाँ से बनाए, अब बीचों बीच से दो डबल क्रोशिया एक दो, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया एक और एक और दो डबल क्रोशिया, अब फिर से इसके बगल में एक डबल क्रोशिया के सीधे ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर से बल लेंगे और यहाँ पे दोनों के बीचों बीच में यहाँ से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर एक चेन लेंगे। तो बस देखिए इसी तरह से हमें बनाते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेना है, फिर हम कलर चेंज करेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम बना लिए दो लाइन में, ये यहाँ पे यानी दो लाइन तो हम बॉर्डर का ये एक दो दिए, इसके बाद एक दो ये बनाए, टोटल चार लाइन बनाए हैं। यहाँ हमारा ये कम्प्लीट हो गया, इसमें हम ऊन को यहाँ पे कट कर लेना है हमें, तो हम यहाँ पे अभी इसी वक्त इसी तरह छोड़ चुके हैं, छोड़ दिए, बाद में देखेंगे जैसा होगा वैसा करेंगे। अब हम देखिए दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ रखे हैं, क्योंकि हमें ऊन को कलर करते चले जाना है, अलग अलग कलर से हमें ऊन यहाँ पे लगाना है। तो फिर देखिए तीन चेन हम ले लिए, तीन चेन लेने के बाद में बॉर्डर का जो तीन डबल क्रोशिया है इसे तो हमें इसी तरह बनाना ही है। तो ये हो गया बॉर्डर का, ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया और ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया। तीसरा डबल क्रोशिया के बाद एक चेन ले लेंगे और देखिए ये जो बीच में एक चेन बनाए हुए थे यहाँ पे, इसमें हमें ऊपर से इस तरह से लेना है, देखिए इस तरह से हमें ऊपर से लेना है। और जब हम इसे पलटकर बनाएंगे, तो पलटकर जब हम बनाएंगे तो नीचे से सॉरी इस तरह से नीचे से इस तरह से लेना होगा हमें, लेकिन अभी ये आगे का भाग है इसलिए हम इस तरीके से लिए। अब हमें फिर से क्या करना है, अभी तो ज़्यादा बहुत घना हो जाएगा अगर हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमें फिर से यहाँ पे दो डबल क्रोशिया करना है। देखिए ये हो गया एक
और ये हो गया दो, दो डबल क्रोशिया कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पे सॉरी हम एक चेन लेना भूल गए, चेन तो हमें लेना ही है किसी भी कीमत पे, यहाँ पे लेना है चेन, एक चेन। इसके बाद फिर एक डबल क्रोशिया, ये देखिए एक चेन हम यहाँ एक डबल क्रोशिया हम छोड़ चुके हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और फिर से एक डबल क्रोशिया, अभी इस स्थान से दो डबल क्रोशिया जिस तरह हम बुने हुए हैं उसी तरह हमें बुनना है। और बीच में एक चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक और एक दो, और किनारे का फिर से दो डबल क्रोशिया हमें और बुन लेना है, एक और एक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इस स्थान पे ध्यान देकर हमें बुनना है, देखिए यहाँ से आएगा एक डबल क्रोशिया और फिर ठीक इसके बगल से आएगा एक डबल क्रोशिया। अब एक चेन ले लेंगे और इसे इस तरीके से ऊपर की ओर से लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है, पहले छोटा था, इसके बाद चार डबल क्रोशिया था, फिर यहाँ पे एक साइड में तीन हो गया, एक साइड में तीन हो गया, इस तरह से फिर यहाँ पे भी बढ़ता चला जाएगा। आपको बस इसी तरह से मैं ध्यान में रखते हुए बुनना है, सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में देना है, जब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे, जब हम उल्टा तरफ से बुनेंगे तो इस चीज़ को हमें इस तरीके से बुनना है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लाइन इसे बुनकर, कलर चेंज करते हुए कुछ लाइन इसे बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे पहले एक ग्रीन कलर से बनाए दो लाइन, फिर इसके बाद ये कलर हम डालें जो कि तीन लाइन बनाए हुए हैं, एक दो तीन, फिर एक लाइन हम इस कलर से बनाएं। अब हम फिर से यहाँ पे लाल कलर डाल रहे हैं, तो लाल से हम यहाँ तीन बार बनाएंगे, फिर हम यहाँ क्रीम डालेंगे, यानी जो कलर आपको पसंद है इसके ऊपर आप देते जाएं। आप एक बार देख लेंगे इस तरह से बनेगा। अब देखिए उल्टा तरफ से हमें किस तरह से बुनना है, जैसे कि हम तो आप लोगों को बतलाए थे कि सीधा तरफ से कैसे बुनना है, उल्टा तरफ से इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ उल्टा तरफ से नहीं ध्यान दीजिएगा तो नहीं आएगा। तो फिर देखिए हम उल्टा तरफ से बुनेंगे, बल लेंगे, बल लेने के बाद जो तीन हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया है बॉर्डर का उसे हम डालेंगे, तीन डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे, अब देखिए इस चीज़ को हम बनाएंगे, ये चीज़ किस तरह से बनता है, तो ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे तो हम इसे लेंगे, बल लेंगे, बल लेने के बाद इस तरह से क्रोशिया को लेंगे और इस तरीके से निकालेंगे और इसके बाद इस तरह से देखिए इस तरीके से लेकर इसके बाद हम यहाँ डबल क्रोशिया बुनेंगे, ये हो गया। देखिए अब इधर से जब आप देखिएगा तो ये सीधा नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमें बुनते चले जाना है, ध्यान रखना है, एक बीच करके अगला चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जब भी यहाँ पे बनाएंगे तो दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। अब दो चेन यहाँ पे शुरू हो गया बनना, आगे जाते जाते तीन चेन हम बनाएंगे इस जगह पे। तो इस तरह से देखिए इसे आप बुन कर कंप्लीट कर लें, उल्टा तरफ से भी हम बुनना आप लोगों को बतलाएँ। तो चलिए इसे बुन कर हम लास्ट हमारा जो लंबाई होता है वहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे हम जैसा कि आप लोगों को बतलाए थे कि हमें कहाँ तक इसे बुनकर कंप्लीट करना है, तो चलिए हम इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये हम इसे बनाए, फिर यहाँ पे डाले, फिर रेड कलर डाले, फिर क्रीम डाले, फिर ये नेवी ब्लू कलर है ये डाले, फिर येलो कलर यानी ऑरेंज कलर है, येलो भी पूरा नहीं है, फिर रेड डाले, फिर ये डाले और फिर इसे डाले, फिर लास्ट में हमारा लंबाई जब कंप्लीट होने को रहा तब हम इसमें रेड एक लाइन डाले हैं और इसके बाद क्रीम से पूरा कंप्लीट किया। तो लास्ट लाइन हम किस तरह से बुने हुए हैं इसे देखिए, लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार, चार एक ही बीच से हम चार डबल क्रोशिया बनाए हैं और एक पर एक बनाते चले गए हैं। लास्ट में यहाँ पे यहाँ से एक बनाए हुए हैं और इसमें से एक लिए हैं, फिर इसमें से एक लिए हैं, बस ये तीन यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं और यहाँ पे हम चार किए हुए हैं। तो चार यहाँ बढ़ा नहीं है क्योंकि ये देखिए दो इधर दो इधर दोनों तरफ हम दिए हुए थे, मात्र यहाँ पे आपको दो चेन बीच में नहीं पड़ा है, बाकी बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। राधा रानी का ये दुपट्टा बनाएंगे यानी चुनरी बनाएंगे, इस पे हम हल्का फुल्का डिजाइन डाले हुए हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 180 चेन ले लेंगे, 180 चेन ले लेने के बाद में बल लेंगे, बल लेकर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे
और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए दो लाइन कंप्लीट करेंगे। ये तो पहला लाइन हो जाएगा, इसके बाद एक और लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दो लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पूरा शॉल यानी चुनरी जो बनाए हुए हैं पूरा इसी कलर से बनाया है, सिर्फ आउटलाइन हम अलग कलर से डाले हुए हैं। तो चलिए हम इसे सबसे पहले दो लाइन बुन लेते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोगों को इस पे डिज़ाइन बनाना बतलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम दो लाइन बुन चुके हैं। दो लाइन बना लेने के बाद में तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बॉर्डर के रूप में रख चुके हैं। अब चलिए हम डिज़ाइन बनाते हैं, बल लेंगे और देखिए एक दो तीन तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, यानी तीसरा डबल क्रोशिया पे हुक को डालेंगे। तीन तीसरा पे पहले हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद ठीक इसके पीछे वाला चेन पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम जो सबसे पीछे हो जाता है उस चेन से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन नहीं तीन दो एक। देखिए ये हो गया। फिर से देखिए बल लेंगे, इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है बार बार, बल लेंगे। अब देखिए तीन डबल क्रोशिया यहाँ तक तो बुना हुआ है हमारा, एक दो तीन तीसरा पे हुक को डालेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके पीछे से एक डबल क्रोशिया, फिर उसके पीछे से एक डबल क्रोशिया। बहुत ही सहज डिज़ाइन है जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे, बस इसी चीज़ को हम रिपीट करते चले जाएंगे और एक लाइन यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हमारा लगभग यहाँ एक लाइन कंप्लीट हो चला है, लेकिन हम यहाँ पे आप लोगों को बतला दें एक लाइन कंप्लीट हो चुका है और जो हम दूसरा लाइन यहाँ पे बनाए हुए हैं वो पूरा डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। जब एक लाइन डिजाइन आप बना लेंगी तो दूसरा लाइन जो बनाएंगी फिर से आप डबल क्रोशिया बनाइएगा, इसके बाद अगला लाइन फिर इसी डिजाइन को हम उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया थोड़ा सा जो बचा हुआ है इस पे हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। और इस तरफ लास्ट में बॉर्डर में हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया, क्योंकि तीन तीन डबल क्रोशिया पे एक फूल बन रहा है, तो बाद में हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ज़्यादा बच गया, तो बॉर्डर के रूप में इस तरफ चार डबल क्रोशिया रखे हुए हैं। तो इस लाइन को यानी कि ये पूरा फूल बना लेने के बाद दूसरा लाइन एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब फिर लेंगे चेन एक दो तीन, अब पलट लेंगे। पलटने के बाद जो बॉर्डर का हम जो यहाँ पे रखे हुए हैं डबल क्रोशिया, जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं चार, इस तरफ तो तीन होगा उस तरफ चार है, तो ये तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बना लेंगे। अब देखिए बन गया। अब फिर से हमें इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है, तो फिर से देखिए क्या करना है, तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पीछे से एक डबल क्रोशिया, फिर इसके पीछे से एक डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे और इसे लंबाई में इसका हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम फिर से पूरा इसे डिज़ाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और जब अगला लाइन आएंगे तो एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि हम अभी आप लोगों को बतला चुके हैं। यानी एक लाइन में हमें फूल बनाना है, दूसरा लाइन में डबल क्रोशिया बनाना है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। कुछ दूरी तक हम इसे चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम कुछ दूर तक जो लंबाई चौड़ाई है बनाकर कंप्लीट किए हुए, लंबाई 36 इंच है इसका और चौड़ाई 15 इंच होगा। तो शुरू में हम दो डबल क्रोशिया यानी दो लाइन एक एक डबल क्रोशिया बनाए, तीसरा लाइन से हम फूल बनाना शुरू किए। देखिए इस तरह से आप गिन भी सकती हैं यहाँ पर कितना फूल है, ये आप गिन भी सकती हैं। और लास्ट में फिर हम दो लाइन डबल क्रोशिया का बनाए हुए हैं। तो इसका लंबाई है
38 इंच और देखिए इसका जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हम दिखलाते हैं, देखिए अभी ये हमारा आया हुआ है 14 इंच के लगभग। इसे हमें बनाकर 15 इंच करना है। अब हम इस कलर से एक लाइन पूरा बनाकर कंप्लीट करेंगे, एक चेन पे एक डबल क्रोशिया चारों तरफ से हम बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर हम दूसरे कलर से इसका आउटलाइन देंगे, रेड कलर से इसका आउटलाइन दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ब्लू कलर से कंप्लीट कर चुके हैं, चारों तरफ से किए हुए हैं। कोना पे हम डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, प्रत्येक चारों कोना पर बनाए हुए। और देखिए अब हम रेड कलर से आउटलाइन किस तरह से देंगे, चलिए ये देखते हैं। देखिए इस तरह से हमें आउटलाइन इसमें देना है। तो फिर चलिए इसका हम कोना पे भी देखेंगे सबसे पहले कि किस तरह से, ये तो आप साइड से बना ही सकती हैं, ये हम काफ़ी वीडियो में बतलाए हुए हैं। इसका कोना किस तरह से निकालना है चलिए ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले तो तीन चेन ले लेंगे, तीन चेन लेने के बाद में डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो तीन तरह से आप यहाँ कोना निकाल सकती हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। देखिए अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से तीसरा डबल क्रोशिया, ये तीन डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। अब इसे हम बीचों बीच में लाकर जोड़ेंगे यानी कोना में, और फिर से हम एक चेन लिए, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया। अब इसे लाकर एक दो तीन, तो ये फिर से तीन डबल क्रोशिया के बाद लाकर जोड़ लेंगे। और देखिए इस तरह से भी आप कोना निकाल सकती हैं, और अगर आप चाहें तो कोई लटकन वगैरह भी लगा सकती हैं, या आप पे डिपेंड करता है, इसे आप किसी भी तरह से बना सकती हैं। जैसे चलिए हम एक और तरीका आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसे हम यहाँ पे जो बीच में जो हम एक डबल क्रोशिया डाले हुए हैं, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। कोना हम चारों कोना इसी तरह से निकाले हुए हैं। अब यहाँ पे हम फिर से जो इसके पहले हम बनाए इसे बना लेंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस तरह से इस तरफ बना हुआ है ठीक उसी तरह से बनाएंगे। ये हो गया दो और ये हो गया तीन, तीन डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसे चार, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया के बाद हम जोड़ेंगे। सबसे पहले इसे यहाँ जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप इस तरीके से भी बना सकती हैं। फिर से यहाँ पर तीन चेन ले लें और तीन डबल क्रोशिया बनाएं, एक दो तीन। अब चार डबल क्रोशिया के बगल में हुक को ले जाएंगे और इसे जोड़ेंगे। तो इस तरह से इसे चारों कोना में यानी चारों तरफ हम बना लेंगे, आउटलाइन दे लेंगे। तो चलिए हम पूरा इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा लगता है देखने में। अगर आप चाहें तो कोना पे कोई और भी तरह से बना सकती हैं, लटकन वगैरह लगाकर। तो देखिए जब इसे हम पूरा कंप्लीट कर लिए, देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। इसका लंबाई कंप्लीट होने के बाद में लंबाई आपको 38 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।